सत्र समाप्त होता है उसके दूसरे दिन मेरे मेरे भाइयों की आवाज़ था एक्चुअली मैं आई थी शिष्टाचार भेंट के लिए और जिले में क्या चल रहा है, क्या गतिविधियां संगठन की चल रही हैं और क्या हम लोग काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं अभी उसका जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें क्या क्या प्रगति की है, समीक्षात्मक बात की हमने। तो मैं अपने जिले के सारे हालात से पे चर्चा करती हूं। मैम अभी एक बड़ा जो चल रहा है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का इस्तीफा हो चुका है और लंबे समय से छः दिन से ज़्यादा का दिन हो गए कि अब तक आपने नए नियुक्ति हुई है खाली है, कितना नुकसान होगा पार्टी को इस समय? वैसे तो ये मेरा इशू नहीं, अगर आप मुझसे पूछते कि एज ए सांसद जिले में पानी सड़क बिजली में क्या काम हुए हैं, महिलाएं क्या काम कर रही हैं, स्वयं सब ये तो सब मैं चर्चा कर सकती थी। लोकसभा में कौन से बिल आए हैं, उन पे मैंने कितना बोला है, अभी ये सब इश्यूज अगर मुझसे आप पूछते, जो आप पूछ रहे हो वो एक्चुअली मेरे से रिलेटेड बात ही नहीं है और वो फैसला पार्टी के बड़े लोग करने वाले हैं। मैं तो इलेक्टेड सांसद हूँ तो मुझे अगर आप फील्ड की बात पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे बातचीत आप कर रहे हैं, पर मैं एक्चुअली बहुत इंटीरियर से आती हूँ। झुंझुनू जिला वैसे तो काफ़ी खासियत रखता है लेकिन वहाँ डार्क जोन है, पीने का पानी नहीं है, तो हम यमुना के पानी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ की रोड्स अच्छी नहीं है तो हम उनको बनाने में लग रहे हैं। तो आई एम सॉरी वो जो आप पूछ रहे हैं दिस इज नॉट माय इशू एक्चुअली। मैं इससे अलग हटते चुके आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ता के लिए क्या चुनावी वर्ष में पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी खाली रहना इतने समय तक ठीक है? कई बार कोई समस्याएं आ जाती है वो निपटाने का काम बड़े लोग जिनका ये कार्यक्षेत्र है उसमें वो सॉल्व दे विल सॉल्व इट। हमें एक प्रश्न मैंने ये भी था कि कल विधायक और नेता अमित शाह जी से मुलाकात करके आए हैं, जिस प्रकार का नाम सामने आ रहा है शेखावत जी का, उसके बाद ये वहाँ पर मंशा जताई जा रही है यदि राजपूत समाज से कोई व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसको नुकसान बीजेपी को होगा क्योंकि जाट जो कम्युनिटी है वो बीजेपी से जुड़े हुए, आप भी जाट समाज से कोई टिप्पणी करने का विषय ये नहीं है। मुझे नहीं पता कि कौन लोग मिले होंगे, मैं वहाँ नहीं थी, मैं अपने क्षेत्र से आई हूँ। रात्रि विश्राम मैंने एक ग्राम पंचायत में किया था और वहाँ की सब समस्याएं जानी थी। एक्चुअली मैं लोगों की और मेरे जिले की थोड़ी सी तरक्की हो जाए इसलिए लड़ रही हूँ, काम कर रही हूँ। मैडम गजेंद्र शेखावत का प्रदेशाध्यक्ष के लिए नाम सबसे आगे रहा, आपके हिसाब से क्या ठीक है वो चेहरा वो नाम प्रदेशाध्यक्ष के लिए? जो तय करेंगे, मैं कभी भी ये नहीं देखती हूँ कि मेरे ज़िले में अध्यक्ष कौन बना है, मेरे ज़िले में महामंत्री कौन बना है, मेरे ज़िले में मोर्चे का कौन बना है, बनने अल्टीमेटली बीजेपी के लोग हैं, इसलिए मैं कभी ये देखती ही नहीं हूँ कि संगठन में कौन आया। मुझे भी संगठन का जब दो बार यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष का जिम्मा मिला है, मैंने सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए काम किया है, जो भी बनेगा कोई भी बनेगा वो पार्टी का काम करेगा। मैडम झुंझुनू में जिस तरीके से कार्यकर्ता थोड़े से नाराज दिखाई दिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का प्रवास वहां पे हो, इसके बाद कहीं ना कहीं अब जो जाट समुदाय का थोड़ा सा नाराजगी दर्ज कराने का काम जो है वो पिछले तीन दिन से चालू है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, क्या लगता है कि अब अगला प्रदेश अध्यक्ष जो है झुंझुनू से भी हो सकता है और नाम जिस तरीके से जाट नेताओं को आगे करने का चल रहा है तो सतीश पुनिया के बाद अब आपका भी कहीं ना कहीं जो चेहरा है चर्चाओं में है क्योंकि आप उपाध्यक्ष जो है वो बदल चुकी है? मैं इस दौर में भी नहीं हूँ, मुझे बनना भी नहीं है और मैडम गई थी, मैडम का 8 दिन का प्रवास था, बहुत शानदार कार्यक्रम थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें रखी थी, कोई न्यूसेंस वहाँ हुआ नहीं था। आप जो बात कर रहे हैं वो सब जांच में सामने आ चुका है, मेरे ज़िले के लोग नहीं थे,
एनआरएसएम के लोग थे और दूसरे जिलों के थे, इवन मेरे जिले का एक व्यक्ति भी उसमें सम्मिलित नहीं था। अब उतने 4 लाख की भीड़ में कोई बाहर से आ गया और किसी ने कुछ अगर बोला तो वो मैं उसको मानती नहीं हूँ कि जिला नाराज है। जिला भारतीय जनता पार्टी के साथ ना होता तो 70 वर्ष में पहली बार लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आती, वो भी एक बहुत बड़े घराने को हरा के, आदरणीय शीशराम जी ओला के घराने को हरा के एक सामान्य गरीब किसान की बेटी जीती है। तो बीजेपी का वहाँ जनाधार था तब जीती है। और इसी तरह से हमारे विधायक भी 2 वहाँ पे हैं। तो झुंझुनू जिला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है या कार्यकर्ता वहाँ का नाराज है, ऐसी बात नहीं है। मैं प्रतिदिन सुबह से शाम जिले में लोगों के बीच रहती हूँ, कोई नाराजगी मेरे सामने। हाँ, अपने हकों की बात लोग कहते हैं, वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, वहाँ के लोग थोड़े मुखर हैं तो अपनी बात कहने में झिझकते नहीं हैं। जैसे मैं भी बोल देती हूँ, बेबाक होकर बोल देती हूँ, वो उनकी आदत है, बाकी नाराजगी नहीं।